हेलो लर्नर्स, मैं आप लोगों को फिर एक नए क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 का स्टूडेंट है और आप बोर्ड एग्ज़ाम अपना 2025 में देने जा रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि इसके पहले आप तीन क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सजेशन 2025। आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हूं, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क करें, यानी आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इसके जो होगा द्विसदनात्मक व्यवस्था के पक्ष में तर्क क्या दिया गया है। तो एक नंबर देखिए, प्रथम सदन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, यानी कहने का मतलब है कि ये जो व्यवस्थापिका है ना, तो हमारी जो व्यवस्थापिका है, सरकार जो हम लोग नेता लोग को चुनकर भेजते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। उसमें दो सदन होता है, एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। ठीक है, तो ये दो सदन होने के लाभ और हानि के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके तर्क में क्या बोला, मैंने इसके पक्ष में तर्क क्या दिए गए हैं और इसके विपक्ष में तर्क क्या दिए गए हैं। तो चलिए देख लीजिए, तो इसके पक्ष में क्या क्या बोला गया है। तो प्रथम सदन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक सदन की स्वाभाविक प्रवृत्ति घृणापूर्ण, अत्याचारी और भ्रष्ट न बन जाने की ओर होती है, जिसे रोकने के लिए समान शक्ति वाले द्वितीय सदन का अस्तित्व आवश्यक है। गार्नर का मानना है कि द्वितीय सदन का अस्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी है और एक सीमा तक प्रथम सदन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाता है। दो नंबर देख लीजिए, जल्दबाजी विवेक रहित कानून को बनाने से रोकता है। एक सदन व्यवस्था में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की क्षणिक भावनाओं और आवेशों से प्रभावित होकर कानून निर्माण में अत्यधिक जल्दबाजी कर सकते हैं। फलस्वरूप कानून एक पक्षीय एवं तर्कहीन हो सकता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था में द्वितीय सदन निम्न सदन द्वारा बनाए गए कानूनों का विवेकपूर्ण ढंग से समालोचना करता है एवं पक्षहीन कानून का निर्माण में मदद करता है। आगे देख लीजिए, जनमत प्रकट करने का अवसर देता है, यानी द्विसदनात्मक प्रणाली में जब एक सदन किसी विधेयक को पारित कर देता है और दूसरा सदन उस पर विचार करता है, तो इस बीच के समय में जनता को संगठित होने एवं अपने विचार को प्रकट करने का मौका मिल जाता है। आगे देखिए, संघ राज्य के लिए उपयुक्त होता है। एक सदनात्मक राज्य में विविध इकाइयां होती है, उनमें क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अंतर होता है। ऐसी परिस्थिति में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के द्वारा प्रथम सदन में जनसंख्या के आधार पर और दूसरे सदन में इकाइयों को जमानत के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। अब देखिए, ये द्विसदनात्मक व्यवस्था के विपक्ष में क्या क्या बोला गया है, चलिए देख लीजिए। एक नंबर है, समय और धन की बर्बादी। आलोचकों का मानना है कि द्वितीय सदन के गठन में बेकार का खर्च होता है तथा इसके द्वारा विधान पास करने में समय की बर्बादी होती है। एबीसीएस का कहना है कि यदि दूसरा सदन पहले सदन से सहमत होता है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और यदि असहमत है तो हानिकारक है। उसके बाद है संगठन की समस्या। द्वितीय सदन के संगठन की समस्या गंभीर है। यदि द्वितीय सदन परोक्ष रूप से निर्वाचित तथा नामजद या वंशानुगत है तो यह हानिकारक और गौरव गणतंत्रात्मक है।
नामजद सदस्यों से सत्तारूढ़ दल की शासन शक्ति बढ़ती है। व्यवहार में दो सदनों वाले सभी देशों में यह समस्या उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में हाउस ऑफ लाइट को सदैव असंगत कहा जाता है, क्योंकि यह कुलीन वर्ग को छोड़कर अन्य किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसी कारण स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय सदन का निर्माण एक विकट समस्या है। अगला देख लीजिए, दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका। दो सदनात्मक व्यवस्था में दोनों सदन में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, जिसका शासन व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद एफेक्लिन का कहना है कि दो सदन रखना ठीक वैसा ही है जैसे एक गाड़ी में दोनों तरफ घोड़े जोत दिए जाए और वे विरोधी दिशा में जाने का प्रयत्न करें। आगे देख लीजिए, संघ राज्यों के लिए भी द्वितीय सदन आवश्यक नहीं है। राजनीतिक दलों के आधार पर चुने जाने के कारण द्वितीय सदन के सदस्य अपने इकाई राज्यों के प्रतिनिधि न होकर अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोफेसर लास्की का विचार है कि द्वितीय सदन संघ राज्य की रक्षा के लिए कोई प्रभावशाली गारंटी नहीं है। चलिए, इसका निष्कर्ष क्या है? तो द्विसदनीय विधायिका की प्रणाली को कानून बनाने की प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक देश के दो अलग अलग सदन होते हैं। ये सदन उच्च सदन और निम्न सदन होते हैं। इस प्रकार की प्रणाली का प्राथमिक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के लिए सभी वर्गों को विधानमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिले। और देखिए, ऊपर के विवरण से यह पता चलता है कि राज्य में द्विसदनीय विधायिका कितना जरूरी है। इससे कम त्रुटिपूर्ण कानून का निर्माण होता है और उच्च सदन कभी निरंकुश नहीं हो पाता है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो वीडियो को एक लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।